आज की इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या जिसे हम उर्दू में इबारती सवालात कहते हैं, जिसमें इबारत दी होती है, उसको सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टेटमेंट के लफ्ज़ों पे बड़ा गौर करना ज़रूरी है। आप जो एग्जामिनर कह रहे हैं उसके अलावा कुछ समझेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। क्वेश्चन जो इस वक्त हमारे सामने है वो है, हाउ मच लेस देन सेवन इज द सम ऑफ टू 3/4 एंड 3/4/5। उर्दू में अगर हम कहें तो कितना छोटा है 7 से इन दोनों का मजमुआ, इन इन दोनों को प्लस करके जो सम आएगा वो 7 से कितना छोटा है। तो सम ऑफ यानी ये जो सम है इन दोनों का वो कितना छोटा है किससे, 7 से। तो वो 7 से छोटा है, कितना छोटा है कैसे पता चलेगा, वे उसमें से माइनस करके। इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 7 से माइनस कर देंगे हम सम, तो पता लग जाएगा ये उससे कितना छोटा है और सम किसका, इन दोनों नंबर्स का। तो दोनों का सम का मतलब दोनों को प्लस करना है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 8, 8 + 3 11/4, 3 5 15 + 4 19/5। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें 4 और 5 का, तो 5 4 20, 5 × 11 = 55, 4 × 19 = 76। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड किया तो 6 5 11, 7 5 12, 1 13। इन दोनों का अगर आप एलसीएम अब ले लें तो इसके नीचे 1 है, 1 × 20 = 20, 20 × 7 = 140, 1 × 1 = 30, 1 माइनस किया तो आ गया 7। सो 7/20, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन की वर्डिंग थी हाउ मच लेस देन 7, 7 से कितना छोटा है इन दोनों का सम। तो हमने उन दोनों का सम किया फाइंड और उसे 7 में से माइनस कर दिया। और ये मैंने ज़रा सिस्टमेटिकली लिख के किया है, तो आप सिंपली पहले इन दोनों को रफ में ऐड कर लें और 7 से माइनस कर दें, किसी भी तरह आप कर लें। आपका उसने सोल्यूशन तो नहीं देखना कि स्टेप आपने कितने किए हैं, सीधा सीधा उसने आपसे आंसर जो है वो मांग लिया है। सो आप आंसर जैसे भी दें, चॉइसेस को पढ़ें, उसमें देखें ए बी सी कौन सी है और वो आप आंसर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, अपने प्रैक्टिस से आपका जो नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए और उसका सोल्यूशन हमसे मांगिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप काफ़ी जहीन हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें और उसका आंसर आप कमेंट में लिखें, ताकि मुझे पता चले कितने अच्छे अच्छे लर्नर्स हैं जो हमारे सामने में हैं। क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 3/4 एंड 4 4/5 लेस देन 30। बाई हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑफ लेस देन 30, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 से कितना छोटा है। तो जरा ट्राई करें और अपनी जहानत का सबूत दें और कमेंट में जो आपने आंसर निकाला है वो लिखें। और इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपसे वीडियो के थ्रू मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी जो लिंक्स आएंगे वीडियोस के, उसमें भी आपके लिए बहुत से यूजफुल क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। और चाहें तो आप हमारे जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उनसे आप सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, उसमें आपके लिए बहुत सी मालूमात लिखी हुई।